मैं हूं आर्किटेक्ट रजत कटारने। आज मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लॉन्च्ड कोविड-19 सॉल्यूशन चैलेंज के ऊपर एक सुझाव लेकर के आया हूं। जैसा आप जानते हैं कि चाइना ने मात्र 7 दिनों में 4000 बेडेड हॉस्पिटल रेडी कर दिया। स्पेन और इटली ने अपने होटल्स और कन्वेंशन सेंटर्स को हॉस्पिटल में बदल दिया। तो हमारे पास भी एक छोटा सा ऐसा ही सुझाव है कि क्या हम रेलवे स्टेशन्स को हॉस्पिटल में बदल सकते हैं। इंडिया के रेलवे स्टेशन को, यानी कि जितना भी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास जो कोचेज हैं, एसी कोचेज हैं, 2 टीयर 3 टीयर पैंट्री कार्स, रेलवे प्लेटफॉर्म्स, इनको लेकर के क्या हम इसको एक हॉस्पिटल में चेंज कर सकते हैं। इसके ऊपर हमने एक एनालिसिस किया है। इस एनालिसिस का नाम है SWOT एनालिसिस। SWOT का मतलब होता है SWOT। S stands for strength, W stands for weaknesses or for opportunities and T for threats। किसी भी बिजनेस प्लान को या स्ट्रेटेजी को लागू करने से पहले आपको ये प्लान करना होता है कि ये प्लान जो है आपका कितना काम करेगा। तो आइए जो हमारी स्ट्रेंथ है इस प्लान को लेकर के उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हमारे जो रेलवे स्टेशन है वो बहुत पुराने रेलवे स्टेशन है, सभी सिटी के लगभग। आप अहमदाबाद की बात कीजिए, आप उज्जैन की बात कीजिए, आप दिल्ली की बात कीजिए, तो ये जो बहुत पुराने स्टेशन हैं ये सिटी के बीचों बीच आज आ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि स्टेशन जो है हमारे पास ये पूर्ण तरीके से एक्सेसिबल है, हर व्यक्ति कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकता है। हमारी जो सर्विसेज हैं वो एक्सेसिबल होंगी। एक बात ये भी है कि हमारे पास कुछ मौजूदा रिसोर्सेज स्टेशन पे ऑलरेडी हमें मिलेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड टॉयलेट। ये अगर हम अलग से हॉस्पिटल बनाते हैं तो उसमें टाइम भी लगेगा और ये फैसिलिटी हमको शायद वहां लाने में थोड़ा समय लग जाए। आप जानते ही हैं सारे कोचेज इंटरनली कनेक्टेड होते हैं। इसका मतलब अगर एक पेशेंट को अगर हमने ट्रेन में डाला है तो वो अंदर ही रहेगा, बाहर निकलने की उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो एक हमारे पास एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है कि अगर हम कोचेज को अगर हम हॉस्पिटल में बदलते हैं तो उसको कैसे हम कितनी कैपेसिटी हम किस तरीके से उसको ट्रीटमेंट करके हम किस कैपेसिटी तक पहुंच सकते हैं। तो जनरली हमारे पास स्लीपर कोच में हमारे पास 72 सीट्स अवेलेबल होती है। एक कंपार्टमेंट में हमारे पास सीट होती है 8, एक साइड अपर साइड लोअर एंड बाकी की 6। 3 टीयर होता है स्लीपर कोच। तो हमारे पास 8 सीट एक कंपार्टमेंट में अवेलेबल होती है। टोटल सीट से हमारे पास 72। अगर हम 72 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 9। यानी कि अगर हम एक पेशेंट को एक कंपार्टमेंट में रखें तो हमारे पास 9 रूम्स एक कोच से निकल जाएंगे। अगर हम 20 डब्बों का एक रेलवे रैक अगर एक प्लेटफॉर्म पर ला करके रखते हैं तो हमारे पास 180 बेडेड हॉस्पिटल तुरंत रेडी हो जाएगा। एक बात यह भी है कि 3 टीयर के जो कोचेज हैं, अगर हम थोड़े से कुछ इसमें ये भी ऐड कर दिया, इसका एक प्रपोजल हम 20 डब्बों में से कुछ प्रपोर्शन हम अगर 3 टीयर कोचेस एसी का रखें तो दे कैन बिहेव एज आईसीयू कोचेस। 2 टीयर या जो फर्स्ट क्लास के एसी कोचेस है ये हम साथ में दे सकते हैं, जो हमारे साथ डॉक्टर्स और जो मेडिकल स्टाफ पे काम कर रहा वो इसका यूज कर सकते हैं। एक बात ये भी है कि हमारे पास रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरा और वाईफाई पहले से अवेलेबल है, हमें इस पर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी पार्किंग स्पेस हमारे पास है। आप कुछ भी स्ट्रैटेजी लगती है, कुछ भी चेंज लगता है आपको प्लान में करने का है तो आप उस स्पेस को तुरंत यूटिलाइज कर सकते हो। एक बात यह भी है कि इससे हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो काफी कम हो जाएगी। अब चाइना की तो बात यह है कि चाइना में जो कोविड-19 का प्रकोप जो आया वो मेनली स्टार्ट हुआ वुहान से, लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में बात क्या है कि अलग अलग जगह से बहुत सारे कुछ जगह से केसेस आ रहे हैं तो हम एक ही जगह हॉस्पिटल नहीं बना सकते। तो अभी क्वारंटाइन पीरियड चल रहा है तो हम रेलवे स्टेशन को हॉस्पिटल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी थी कुछ स्ट्रेंथ्स की बात। कुछ हमारे पास वीकनेसेस भी हैं इस चीज़ को लेकर के। एक वीकनेस हमारी ये है, वीकनेस कह लो या ऐसे प्रॉब्लम कह लो, कि क्या हम हॉस्पिटल जैसा हेल्थ और हाइजीन उन रेलवे कोचेज में मेंटेन कर पाएंगे। अब इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट हमको लग नहीं रहे तो ये हमारी एक एडेड कॉस्ट होगी जिसको हमको ध्यान में रखना होगा। ये हमारे पास क्योंकि हमारे पास एक्शन करने के लिए लोग होंगे, सारी चीजें होंगी, लेकिन फिर भी हम अगर फास्ट ट्रैक में काम करते हैं तो ये एक मुश्किल चीज है अटेन करने के लिए। हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स होंगे,
वेंटिलेटर्स होंगे और बहुत सारा मेडिकल इक्विपमेंट होगा। तो क्या जो हमारा रेलवे का कोच है ये पैसेंजर के चलने के लिए जनरली डिजाइन होता है, तो क्या हम इसमें ये सारी चीजें इधर से उधर ले जा पाएंगे अगर फास्ट ट्रैक पर हम काम करते हैं? तो ये हमारी एक बहुत बड़ी वीकनेस है, इस पर हमें ध्यान देना होगा। अगर हम इससे रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज की बात करें कि अगर हम रेलवे स्टेशन को प्लेटफॉर्म को अगर हॉस्पिटल बनाते हैं तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज क्या है, इसके ऊपर हम थोड़ी बात करते हैं। अब गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है जो बहुत पहले से बनी हुई है, नाम है mygov.in। आप वेबसाइट पे जा सकते हैं www.mygov.in। अगर COVID-19 से लड़ने के लिए आप किसी तरीके का अगर आप वॉलंटियर बनना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पर जाकर के अपने आप को एज अ वॉलंटियर रजिस्टर कर सकते हैं। बहुत सारे सेक्टर्स में आप वॉलंटियरिंग कर सकते हैं। अगर आप आईटी से हैं तो आप आईटी डिपार्टमेंट का कुछ हिस्सा जो चालू है अभी उसमें आप उनकी मदद कर सकते हैं। बहुत सारी डेड बॉडीज को लेकर के भी उन्होंने एक बनाया है कि अगर आपको उसको अगर सही जगह पे लेके जाना है तो उसमें भी आप वॉलंटियरिंग कर सकते हैं। बहुत सारे सेक्टर्स हैं, आप अपनी फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज के हिसाब से वो चूज कर सकते हैं। अब इससे होगा क्या कि लोकल वॉलंटियर्स, लोकल डॉक्टर्स, लोकल जो भी हमारे पास चीजें हैं, लोकल रूप भी ह्यूमन रिसोर्स है, हम वहीं का वहीं यूज कर पाएंगे। तो इससे जो हमारा प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो है वो हमारा काफी अच्छा हो जाएगा। और हमारे पास रेलवे स्टेशन पे बहुत सारी दूसरी जगह भी होती है, हमारे पास एसी वेटिंग हॉल होता है, हमारे पास स्लीपर के लिए वेटिंग हॉल होता है, हमारे पास बहुत सारी अलग अलग जगह होती है, तो इनको हम डॉर्मेट्रीज में या फिर एज ए स्टोरेज हम यूटिलाइज कर सकते हैं, ये एक चीज हो सकती है। दूसरी बात ये भी कि अगर जो हमारे पास पैंट्री कार होती है, जो लंबी दूरियों की जो गाड़ियां होती है, जो रेलवे रैक होते हैं उनमें पैंट्री कार होती है, तो अगर हम ऐसी दो पैंट्री कार इस 20 डब्बों की गाड़ी के साथ जोड़ दें, दो पैंट्री कार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक जो है वो पेशेंट्स के लिए खाना बनाए और एक जो है वो डॉक्टर्स और जो अदर मेडिकल स्टाफ है उसके लिए खाना बनाए, ताकि कैसे भी करके हम जो हमारा खाना है उसको संक्रमित होने से रोके, इसलिए मैं दो पैंट्री कार्स की बात कर रहा हूँ। तो ये दो पैंट्री कार अगर लगा देंगे तो खाना हमारा वहीं के वहीं रेडी भी हो सकता है, तो हमारे पास एक इंडिविजुअल यूनिट हमारे पास स्टेशन में डेवलप हो जाएगा। अब खाने की बात है पैंट्री कार की, तो हम जो पैंट्री कार का जो केटरिंग सर्विस है वो किसी लोकल वेंडर को ही दे सकते हैं, क्योंकि टाइम चला है क्वारंटीन का और क्वारंटीन में लोकल रिसोर्सेज कैसे आएंगे ये लोकल बंदे से ज्यादा कोई जान नहीं पाएगा। तो ये कुछ बातें थी। अब हमारे पास थ्रेट्स भी हैं, कुछ दिक्कतें भी हैं जो हमारे साथ अगर हम रहेंगी, जो कि अगर हम स्टेशन को अगर हम हॉस्पिटल में कन्वर्ट करते हैं तो रहेंगी। जैसे कि कोचेज और रेलवे प्लेटफॉर्म जो हैं वो ये सर्विस खत्म होने के बाद भी हमको उस तरीके से सैनिटाइज करना होगा, ताकि जो आम जनता बाद में उसमें ट्रैवल करेगी तो उनको किसी भी तरीके से बाद में संक्रमण ना हो, नहीं तो स्टेज टू आने की प्रोबेबिलिटी बन सकती है या कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। लाइक तो हमको ये चीज जो है कोविड को देश से निकालना है, किसी भी तरीके से उसको बढ़ाना नहीं है, तो हमको प्रॉपर सैनिटाइज करना होगा उस जगह को। अगर लेटर की स्टेज में अगर हम बात की स्टेज में अगर बात करें, अगर हमारे केसेस बढ़ते हैं तो अगर जैसे हमने एक प्लेटफॉर्म पे 20 डब्बों की रेलगाड़ी खड़ी करी है, वैसे हम दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी और 20-20 या 30-30 डब्बों की रेलगाड़ी अगर हम खड़ी कर दें तो हमारे पास तुरंत हॉस्पिटल रेडी होते जाएंगे अगर केसेस बढ़ते हैं तो। अगर केसेस कम होते हैं तो आप एक ही प्लेटफॉर्म को सील कर दो, वहाँ पे आम जनता को आने आप मत दीजिए, उसी को आप क्वारंटाइन सेंटर बना के रखो या फिर ट्रीटमेंट दो आप पेशेंट्स को, और जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं आप उसको चालू करो तो रेलवे की दूसरी सर्विस है वो भी चालू हो जाती है। अब बात करते हैं हम डिस्पोजल ऑफ वेस्ट की, तो जो बायोमेडिकल वेस्ट है और जो ह्यूमन वेस्ट है, क्योंकि ट्रेन के कोचेज में भी टॉयलेट्स होते हैं तो जनरली वही टॉयलेट्स हम यूज करेंगे, अगर जो कि जो केसेस आते हैं जो पेशेंट्स होंगे वो वही टॉयलेट्स यूज करेंगे, तो जो इनका ह्यूमन वेस्ट है जनरली बायोमेडिकल वेस्ट जो है वो तो आप ट्रीट कर सकते हो, इंसिनरेट हो जाता है वो जैसे जनरली हॉस्पिटल्स में होता है, बट ये वेस्ट आपको तुरंत निकालना होगा। तो जिस तरीके से आप रेलवे के जो लेटर ऑन जहाँ ट्रेन अपना रूट कवर करके जब जाती है तो ये सारी चीजें वहां पर क्लीन होती है, तो आपको ये यहीं पर क्लीन करना होगा। ये एक क्लीन बहुत अव्वल दर्जे की होनी चाहिए, नहीं तो वापस से हम क्लीनिनेस को अगर मेंटेन नहीं करा तो दिक्कत होगी। अब बात आती है कि ये एक हमारा छोटा सा सुझाव था तो हमने आपके सामने रखा, आप भी आपके पास अगर कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशन है इस चीज को लेके, क्वारंटीन को लेके या किसी भी तरीके से इस कोविड-19 को देश से बाहर करने के लिए या कम करने के लिए
इनोवेटिव सॉल्यूशन है, तो आप सीधे सरकार के पास अपनी बात रख सकते हो। सरकार आप जैसे लोग ढूंढ रही है जो कि उनको जाए और बताए कि हम क्या क्या इनोवेशन कर सकते हैं, क्या क्या आइडियाज हैं, वो आप सरकार के साथ शेयर कर सकते हैं। आप डायरेक्टली जाइए वेबसाइट पे www.myGOV.in पर। ये कॉम्पिटिशन भी चल रहा है, आप इस कॉम्पिटिशन में पार्ट लें और इस COVID-19 को इस देश से बाहर निकालने के लिए जितनी मदद कर सकते हैं करें। क्योंकि याद रखिए, नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक लाइन 22 तारीख को कही थी कि अगर ये 21 दिन अगर नहीं संभले तो भारत 21 साल पीछे चला जाएगा। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा, स्टे सेफ, घर के अंदर रहिए और हेल्थ को मेंटेन रखिए। थैंक यू।